अंदर बहुत लाइन लगी है, अभी हम लोग अंदर ही जा रहे हैं। जय लकड़ी वाले बाबा की जय। तो देख सकते कितना ज्यादा क्राउड था। फाइनली इतने टाइम बाद अभी थोड़ी देर बाद हम लोग को दर्शन मिल जाएगा। राम दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज महाशिवरात्रि, मेरी तरफ से आप सबको, आपके फैमिली को हैप्पी शिवरात्रि। तो आज मैं जा रहा हूँ भोलेनाथ का दर्शन करने, बाबुलनाथ टेंपल जो कि ग्रैंड रोड में है। तो चलते फटाफट ग्रैंड रोड पहुँचते, ग्रैंड रोड पहुँच के फिर मैं आप दोस्तों मिलता हूँ। मैं घर से निकल चुका हूँ, जा रहा हूँ, तो चलते वहाँ पर पहुँचते ग्रैंड रोड, फिर मिलते। ग्रैंड रोड स्टेशन पहुँच चुका हूँ, फिलहाल अपने दोस्त लोग का वेट कर रहा हूँ, वो लोग भी आ रहे हैं। तो उनके आते ही फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। देख सकते अभी ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ। तो चलते अभी उनका वेट करते हैं, उनके आते फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही अच्छा बनने वाला है। हम लोग आके लाइन में लग गए हैं, देख सकते हैं पवन भाई अपने साथ। और ये देखो लाइन लगी है, कम से कम 1 किलोमीटर तक लाइन लगी है। हम लोग 1 किलोमीटर पीछे हैं मंदिर से। तो ये देख सकते हैं कितना लाइन लगा है। तो ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा आज क्राउड है, हम लोग आज के दिन। तो हाँ, 1 किलोमीटर हो गया हम लोग चल ही रहे, फिर भी देखो लाइन नहीं, फिर भी अभी देखो बहुत आगे तक लाइन, अभी मंदिर भी बहुत ज़्यादा आगे है। तो चलते हम लोग आगे। ये देख लीजिए पूरा इधर पे मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पुलिस वाले भी हर जगह खड़े हैं, लड़ाई झगड़ा ना हो, सब लोग अच्छे से। 4 किलोमीटर आगे आगे तो अभी हम लोग 2 किलोमीटर आगे आगे तो भी अभी देखो लाइन लगी है, देख सकते आगे पूरा लाइन लगी है। तो अभी तो 11 बज रहा है, तो देखते हैं हम लोग कितने बजे दर्शन होता है। तो अभी हम लोग चलते चलते आगे गिरगा चौपाटी की तरफ। ये देख सकते हैं सामने गिरगा चौपाटी है और इधर पे हमारा लाइन लगा है। आगे देखिए बहुत बड़ा लाइन लगा है। तो अभी चलते हैं, लाइन में लगे हम लोग, देखते हैं कितने बजे दर्शन होता है। बाकी सामने गिरगा चौपाटी है। अभी हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं, इधर पर प्यास लगी थी, इधर पर पानी भी दे रहे हैं। यहाँ पर पानी वगैरह सब मिल रहा है। तो देखिए अभी चलते पानी भी पीते हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा लग रहा है जिसकी वजह से पानी भी पीना पड़ेगा। और सामने देखिए जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी पंडाल में चलते चलते हम लोग को चाय भी मिल गया, चाय पानी मिलते रहे बीच में, तभी हम लोग चाय पीते। बाकी देखिए काफी ज्यादा लाइन है। हम लोगों को कम से कम इधर 3 घंटा हो गया लाइन में। और यहाँ पे भी देखिए खाने पीने की सामान मिले, नमकीन वगैरह मिल रहा है, लेते हैं। नमकीन भी आ गया, अभी खाते हम लोग नमकीन। बाकी लाइन तो बहुत लगा है। तो अभी मिल चुका हम लोग को साबूदाना, ये देखो साबूदाना खा रहे हैं सब लोग। इधर से एंट्री गेट है, इधर से अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। बाकी उधर पीछे की साइड से हम लोग आए, तो चलते। तो अभी हम लोग अंदर आ गए, इधर पे भी देखिए साबूदाने की खिचड़ी सबको जा रही है बाहर। इधर पे देखिए ऊपर चढ़ के अभी और आगे की साइड जाएंगे तो मंदिर है। तो यहाँ पे जूता चप्पल जमा हो रहा है, थैली में जूता रख रख के बाहर कर रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं और भी आगे, देखो ऊपर तक पूरी लाइन लगी है, ये देखो। एक बड़ा दादा, हाँ सिंगल सिंगल लाइन अंकल। जय श्री राम, जय श्री राम, महादेव महादेव महादेव, जय जय। देखो 1000 रुपया डेली का बताओ इसको। अमरनाथ महाराज की जय, लकड़ी वाले बाबा की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।
इधर भी ले, इधर भी ले भाई, मेरा वीडियो बना सकते। जय श्री राम। तो अभी हम लोग ऊपर पहुंचने वाले, तो देख लो पवन को भी बुला रहे हो। देखिए अभी और आगे अंदर बहुत देर लाइन लगी है, अभी हम लोग अंदर ही जा रहे हैं। जय जय जय। इधर से अभी हम लोग दो तीन लाइन क्रॉस कर रहे हैं, फिर इधर से अंदर जाएंगे। इधर से अंदर अंदर ही फिर मंदिर भी है, मंदिर इसलिए है इसके अंदर ही, अभी हम लोग घूम घूम के जा रहे हैं। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? हमारे वीडियो में आए क्या बोल रहे? भगवान आएगा, राम राम आएगा, अगर भगवान आएगा, राम राम आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये रहा होता है। तो अभी हम लोग इधर से पूरा घूम चुके हैं, अभी हम लोग ये लाइन में आ गए। इधर से अभी अंदर पे इधर इधर घूमेंगे हम लोग, फिर आगे की साइड उधर से जाएंगे बाहर। जय श्री राम। तो आगे से मंदिर है, मंदिर से आगे एंट्री उधर है, चलते हैं अभी इधर पे। देखिए सामने, देखिए उधर पे, उधर से मंदिर के अंदर जाते हैं। बलि की जय, बलि की जय। तो देख सकते कितना ज्यादा क्राउड था, फाइनली इतने टाइम बाद अभी थोड़ी देर बाद हम लोग को दर्शन मिल जाएगा। देखिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, कि हम मंदिर को कितने अच्छे से डेकोरेट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय बलि की जय, बलि की जय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, बम बम भोले, 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 हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरे हरे महादेव, जय शिव शंकर। महा
तो फाइनली अभी हम लोग इधर से दर्शन करके आ गए बाहर, अभी चलते हैं बाहर। चल उमेश। हाँ, तो अभी दर्शन हो गया है, अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, देख सकते हैं अभी नीचे जाऊँगा, फिर उधर पे बाहर से चप्पल वगैरह निकाले हैं वो सब लेके फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो अभी फाइनली चार घंटे बाद दर्शन हुआ है हम लोग का, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए खरीदने की दुकानें भी हैं जो सामग्री चढ़ती है भगवान को, हार फूल अगरबत्ती सब है। पूरा हम बाहर आ गया हो, पूरा उधर से मंदिर से बाहर आ गया हो, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या है, हर एक चीज़ का मतलब खाने पीने का बाकी मैनेजमेंट हर एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जिस हिसाब से पब्लिक थी उसी हिसाब से यहाँ का मैनेजमेंट ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा था खाने पीने का। प्लस हरदम आपको नींबू पानी मिल रहे थे, चाय मिल रहे थे, साबुदाने की खिचड़ी मिल रहे थे, आपको जो चाहिए हरदम मिल रहे थे। ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिए फिर से नहीं ले सकते, आप लोग ले सकते जितनी बार उतनी बार खा सकते पी सकते। बाकी मैं अभी आ गया हूँ, ये देखिए मैं आ गया अभी गिरगा चौपाटी, क्योंकि ये बगल में ही है, इधर से अभी हम लोग आए जस्ट बगल में फिर गिरगांव चौपाटी है, तो हम लोग अभी इधर आ गए, अभी इधर देखते थोड़ा घूमते हैं, घूमने के बाद फिर वीडियो को एंड करके फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये देखिए ये चौपाटी का व्यू, बड़ी बड़ी गणपति के टाइम पे बड़ी बड़ी गणपति इधर से ही उनका विसर्जन होता है। बाकी ये देखिए कितना बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है व्यू। अंदर देखिए नाव भी चल रहा है, अंदर नाव भी चल रहा है। बाकी इधर आपको सामने मरीन ड्राइव है, तो चलो अभी चलते हैं इधर से। अभी मैं हूँ गिरगांव चौपाटी पे, इधर देखो इधर, बाकी हम लोग बस इधर पे भी चिल मार रहे हैं पूरा। बाकी वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो में लिखना मत भूलना हर हर महादेव। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, इसकी वजह से आगे वीडियो कंटिन्यू करने का मन नहीं है, अभी इधर से हम लोग घर ही जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट में लिखना मत भूलना हर हर महादेव। चलो बाय।